फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जारी जंग के बीच आज आपको फिलिस्तीन के उस नेता के बारे में बताते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानता था। जब इंदिरा गांधी का निधन हुआ तो वह शख्स खूब रोया था। चलिए आपको फिलिस्तीन के उस नेता के बारे में बताते हैं जो नींद पूरी करने के लिए दो शिफ्ट में सोता था। जिस नेता की हम बात कर रहे हैं उसका नाम था यासिर अराफात। 1964 में यासिर अराफात ने कई संगठनों को मिलाकर फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन यानी PLO का गठन किया था, जिसका मकसद फिलिस्तीनियों के लिए अधिकार हासिल करना था। चलिए आपको फिलिस्तीन नेता यासिर अराफात और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रिश्ते के बारे में विस्तार से बताते हैं। कभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शांति का पक्षधर बनकर उभरे यासिर अराफात को 1974 में आतंकवादी कहकर दुनिया में बदनाम किया जा रहा था, क्योंकि वो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन की अगुवाई कर रहे थे। हालांकि तब भारत यासिर अराफात के साथ खड़ा था। उस वक्त भारत पहला गैर अरब देश था जो फिलिस्तीन मुक्ति संगठन को वैध प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता दे रहा था। 1988 में भारत फिलिस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। 1996 में भारत ने गाजा में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला, जिसे 2003 में रामल्ला में ट्रांसफर कर दिया गया। फिलिस्तीनी नेता यासिर अराफात इंदिरा गांधी को बड़ी बहन मानते थे। इस किस्से का जिक्र भारत के पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने अपनी किताब में किया है। नटवर सिंह की माने तो मार्च 1983 में नई दिल्ली में गुटनिरपेक्ष देशों का सम्मेलन हो रहा था। यासिर अराफात भी दिल्ली आए हुए थे, लेकिन वे इस बात से नाराज हो गए कि उनसे पहले जॉर्डन के शाह को भाषण क्यों देने दिया।